अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये शाम का सुहाना सुहाना सा मौसम, बहुत ठंडी हवा, मतलब ठंडी नहीं, प्लेजेंट हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। सुबह मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर किया था जिसमें बिजली गरज रही थी और बारिश होने का पूरा इम्कान था, और जो कि नहीं हुई, काले बादल जो हैं वो हवा के साथ उड़ गए थे। तो अभी शाम का टाइम है, 8:30 तकरीबन होंगे अब तो। तो अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी पूरा दिन ही गुजर जाता है बच्चों के साथ, पता नहीं चलता। अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। रेयान को भेजा उसके मामू के साथ बाहर घूमने के लिए, और ये जो मिस्सी है ये मेरे साथ आई है। एक्चुअली मैंने इसको ये वॉकर में डाला था कि ये चीज़ों को नहीं पकड़ेगी और नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वॉकर में उसको समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या करना है, तो वो तंग पड़ गई थी। तो मैंने कहा इसको बाहर निकाल देती हूँ। अभी वो घूम रही है, फिर रही है, एंजॉय कर रही है। जो मैंने कल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप लोगों मतलब बहुत सारे लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अम्मी को भी आप लोगों की तरफ से थैंक यू कर दूंगी। ज़ाहिर कोई चीज़ लेकर आए और पसंद आए तो उसको थैंक यू तो करना बनता है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और मतलब इन सब के साथ जा रही हूँ या अकेली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे जा रहे हैं। मैं बस आप लोगों को इतना कहूँगी कि हाँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मतलब छोड़ के जाने से मुराद ये है कि मैं मूव आउट हो रही हूँ, वो भी बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। बाकी अम्मी पापा और बहन भाई वो एक सेपरेट घर में जा रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं कि अभी चले जाएंगे या थोड़े टाइम के बाद जाएंगे, लेकिन इस घर को सून और लेटर अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाएगा। ये तो थी एक बात। और दूसरी बात ये कि मतलब काफ़ी सारी इमोशंस मेरे अंदर घूम रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैं अपना दिल लगाने की कोशिश कर रही हूँ दूसरी चीज़ों में, और आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और कल को ये मैं अपनी मेमोरीज़ भी बना रही हूँ कि कल को जब मैं ये वीडियोज़ देखूँगी तो मुझे पता चलेगा, पहली दफ़ा जब मैं अपने घर वालों से दूर, जब मैंने अपनी एक्चुअल घर गृहस्थी शुरू की थी, इसको अब इसी सेंस में ले सकते हैं कि अब मैंने सही अपनी घर गृहस्थी शुरू करनी है। बस आप तमाम लोगों से मेरी ये दुआ है कि एक दरख्वास्त है कि मेरे लिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे खैर के कदम इस घर से निकलें, और जहाँ भी हम लोगों के कदम पड़े वहाँ बरकत हो, खैरियत हो, बस पॉजिटिविटी हो। बाकी अल्लाह ताला जो करे इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो चलिए आज मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी, और ये मुझे कुछ स्टोरियाँ सुना रही है पीछे से। क्या बता रही हो बेबी, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हो गया इधर ऊपर, क्या है मिठू मिठू, क्या है बाहर, क्या है सोना, आप सोई क्यों नहीं, पहले सबको ऐसे करो सलाम। मोमिना अभी भी इतना डेंजरसली वॉक करती है कि मेरा दिल मुंह में आ जाता है कि पता नहीं अब क्या कैसे वॉक कर रही है, ये चोट ना लग जाए। मैं अंदर जा रही हूँ, ओके मिठू, ओके मुझे अल्लाह हाफिज़ कर रही, अल्लाह हाफिज़, मैं अंदर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, आप इधर ही रहो ठीक है जी जी जी। क्या हुआ है ऊपर, क्या है मिठे, चलो आओ सब फ्रेंड्स को चीजें दिखाएं, ठीक है। ये जो आज की शॉपिंग है ये हुई है आईकिया से। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने भी अभी नहीं देखी, जो मैं आप लोगों के साथ देखूंगी। और ये एक बैग है जो कहीं और से शॉपिंग हुई है, लेकिन ये वाला बैग और ये वाला बैग और वो जो नीचे दो हैं पड़े हुए ये सामान डालने वाले, वो भी आईकिया से आए हैं। इसको खोल के देखते हैं। इसमें ये है एक माइक्रोवेव के ऊपर कोई भी चीज़ जो गर्म करनी होती है उसके ऊपर जो ढक्कन देते हैं ये वो है, और इसकी प्राइस है 180।
इसके साथ ये टू नाइफ्स हैं और ये स्पेन की सबसे बेस्ट नाइफ्स में से एक है। और ये जो कंपनी है आर्कोस, आर्कोस जो है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसकी जो नाइफ्स हैं वो बहुत रेयरली ख़राब होती हैं। मतलब अच्छी जो होती है ना नाइफ, उसकी क्वालिटी ये होती है कि जो टमाटर का छिलका है ना वो ऐसे आराम से उतरे। जो छुरी वो कर सकती है ना, वो ऑब्वियसली गुड जो क्वालिटी होती है उसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। सो ये उस क्वालिटी में है और इसकी जो प्राइस है 138 है ईच। सो ये है और साथ में है ये पानी का एक जग, क्यूट सा पानी का जग है जिसकी प्राइस इस पे नहीं लिखी हुई। सो ये हो गई चीजें। इसमें है ये डोरमैट जो कि डोर के आगे ऑब्वियसली डालना जरूरी है ताकि अंदर मड और ये सारी चीजें ना जाए। और ये सो इसकी प्राइस है 295 इसकी प्राइस है। साथ में इसमें है ये एक एप्रोन, मतलब डाल के बर्तन धोना, खाना पकाना ताकि कपड़े जो हैं वो खराब ना हों। सो एक अम्मी जो हैं वो अपने लिए भी लाई हैं और एक ये मेरे लिए लेकर आई हैं। जी जी आ जाओ आ जाओ। और इसके साथ इसमें है साथ ये एक रग जो कि बाथरूम में अक्सर जहाँ पे टप है नहाने वाला वो उसके आगे डालती हूँ मैं, और वुजू करने में भी आसानी होती है, पूरा बाथरूम ऑब्वियसली गीला तो नहीं करना होता। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अगर आप डाल लेती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने 5 दफ़ा दिन में वुजू करना होता है तो पानी को इस तरह से हम लोग खुश करने का कोई ज़रिया निकालना पड़ता है। और साथ में है ये दो ऐसे बने हुए हैं जिसमें बच्चों के खिलौनों के लिए जो है मैंने मंगवाया इसको, और ये यहाँ से सील हुआ हुआ है। सो ये बच्चों के खिलौनों के लिए मैंने मंगवाया, एक में सॉफ्ट टॉयज रखूँगी और एक में उनके जो लेगोज हैं और ये सारे जो भी उनके टॉयज हैं वो रखूँगी। मोमिना आपका हाथ ना आ जाए अंदर बेबी, अब बड़ा ख़जाना खोलते हैं। इसमें बहुत कुछ है, ये शू पहनने वाला बहुत ज़रूरी है स्पेशली बच्चों के साथ तो टाइम ही नहीं होता किसी भी चीज़ का। और शूज़ जो हैं उनकी उनकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती। अगर आप बूट्स की बात करें तो अगर आप ये शू पहनने वाले के साथ पहने तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। ये है कुछ क्लिप्स, जैसे हमारी ब्रेड खोलते हैं हम लोग या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खोलते हैं और उसके बाद उसको बंद करना होता है, तो ये क्लिप्स हैं, ये लाई अम्मी, इस तरफ बड़े हैं और उस तरफ छोटे हैं और इसकी प्राइस भी नहीं लिखी हुई। इसमें 20 छोटे हैं और 10 बड़े हैं। जी ये लो ले लो। टॉयलेट ब्रश, उसके बाद इसमें है 3 लूफास। हम लोग सब अपना अपना लूफा यूज करते हैं, हम लोग स्पेशली जो बच्चे हैं उनका अलग लूफा है ताकि उनको आदत हो अपना लूफा यूज करने की। सो ये 3 लूफाज हैं इसके अंदर। ये एक बड़ा मिरर है जिसकी 2 साइडें होती हैं, ये फिक्स करने वाला है अभी। सो ये आया है, ये एक्स्ट्रा बैग है साथ में, ये मिक्स करने के लिए इससे काफी आसानी हो जाती है। ये वो आया है, ये भी एक बैग है। हम लोग बहुत सारे बैग जो हैं अपने मतलब जो शॉपिंग बैग होते हैं उनको, ये शॉपिंग आप अगर करने जा रहे हैं इसको अगर आप अपने हैंड बैग में रखेंगे तो आपको वहाँ से बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो पोल्यूशन है वो भी कम होती है। सो हम लोग अक्सर यूज़ ऐसे ही करते हैं कि हम घर से ही लेकर जाते हैं। तो ये जो हीट की होती हैं चीज़ें, कोई गर्म चीज़ है उसको उतारना है तो उसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब रखे मेरी, एक्चुअली में एक ध्यान मेरा मोमिना की तरफ है। सो ये 3 हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह के आए हैं, रुको रुको रुको, पीछे हटो, इधर आओ, ऊपर इधर आओ, इधर बैठ, चलो मोमिना को भी साथ देखें आप। साथ में आए हैं ये 2 टॉवल, पर्पल और पिंक।
और ये भी काफी बड़े हैं। ये हैं बैग्स जो के यूज होते हैं, जैसे हम लोग गोश्त लाते हैं, कोई भी ऐसी चीज लाते हैं, सो बैग होते हैं हम लोग, जिसमें नए बैग होते हैं जिनमें डालकर हम लोग गोश्त को स्टोर करते हैं। ऐसे हमें हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता, तो हम एक साथ ले आते हैं और डालकर इसको सेव कर देते हैं। ये है सीजर, सीजर तो ऑब्वियसली किचन में चाहिए ही चाहिए होती है। साथ में है ये एक ग्रिल करने के लिए, जो अगर आपने कुछ भी ग्रिल करना हो तो ये वो पैन है, और ये काफ़ी अच्छी इसकी जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खाना इसमें बन सकता है। सो बस इतना ही है सब कुछ। हाँ एक और चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो है ये आयरन बोर्ड, नया आया है ये भी। सो यहाँ पर अभी खेलते खेलते ये खेल रहे हैं लड़ाई लड़ाई। अभी ये कौन सी गेम होती है ये मुझे पता नहीं है, मैं इनसे मना कर रही हूँ कि ये वाली गेम ना खेलो। तो मोमिना भी उसको वैसे ही इंजॉय कर रही है और रयान भी उसको इंजॉय कर रहा है। ऑल्दो मैंने इसको वॉइस ओवर इसीलिए किया है क्योंकि मैं स्क्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी कि ना ये वाली गेम खेलो तुम दोनों, कोई और गेम खेलो, लेकिन इन दोनों को बहुत मज़े आ रहे हैं ये वाली गेम में। वैसे ही सुबह का रयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ मोमिना पे, क्योंकि मोमिना ने उसको सुबह मारा था और स्क्रैचेस उसको किए थे, जिसकी वजह से जब ठहर ठहर के रयान को बात याद आती है तो पूरे दिन से वो मार रहा है। और जब वो कुछ भी करता है मोमिना को तो मेरी तरफ़ देख के बताती है कि मुझे भाईजान ने ऐसे किया है। सो लड़ते लड़ते प्यार हो जाता है, प्यार हो जब हो रहा होता है तो उसके बाद साथ ही लड़ाई भी हो जाती है, इन दोनों का कुछ पता नहीं चलता, इतना विजिलेंट रहना पड़ता है इन दोनों के साथ। लेकिन ये जो उम्र है ये तमाम इन्हीं चीज़ों की है, इन्जॉयमेंट की, बेफिक्री की, मतलब किसी किस्म का कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी है, सिंपल सी ज़िंदगी है, मासूम सी ज़िंदगी है, जिसको देख देख के मुझे लगता है कि इन दोनों को देखकर मेरी मासूमियत भी बरकरार रहती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है बहुत मासूम है, वो इन दोनों की वजह से है। सो अभी रात के हो गए हैं 23:50, मतलब 10 मिनट कम 12, और सारी चीज़ें बंद हो गई हुई हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को बाहर क्या कर रही हूँ, मैं मौज़म को लेने आई हूँ, बच्चे दोनों सोए हुए हैं, गाड़ी मेरे पास थी आज बिकॉज़ बच्चे तंग कर रहे थे, तो मौज़म ने को मैंने कहा मैं आपको लेने आ जाऊँगी। सो मौज़म साहब आ गए हैं, और मौज़म जो है वो आ गए हैं, और इस तरह ये पैक होके जाते हैं, और आजकल थैले भी आते हैं हमारे लिए खाने के लिए। ये चाहते हैं कि मैं जो थोड़ा सा मैंने वज़न अपना कम किया है वो कम ना हो, वो बढ़ता रहे। सो अभी घर जाकर हम खाना एंजॉय करने वाले हैं, गपशप लगाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।